असेसमेंट कहाँ कराना चाहिए? जी हाँ, आज हम यही बात करेंगे और मैं हूँ डॉक्टर सुमित भदवार, बोन एंड जॉइंट क्लिनिक सेक्टर 31 नोएडा से। देखिए, नी रिप्लेसमेंट आजकल भारतवर्ष में हर जगह हो रहा है, छोटे छोटे शहर से लेके बड़े बड़े शहरों तक और बड़े शहरों के गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लेके प्राइवेट हॉस्पिटल तक। पर असल में ये होना कहाँ चाहिए, आज मैं आपको ये बताता हूँ। नी रिप्लेसमेंट करने वाले सर्जन बहुत हैं, प्राइवेट सर्जन्स भी हैं, सरकारी हॉस्पिटल के सर्जन्स भी हैं, और इसके लिए आपको बहुत ही अच्छा एक ऑपरेशन थिएटर होना चाहिए जिसका फ्लो लैमिनर होना चाहिए। और लैमिनर फ्लो माने जो ऑपरेशन थिएटर का टेबल होता है, सीधी हवा उसके नीचे आके साइड से निकलनी चाहिए ताकि जो भी टॉक्सिक फ्यूम्स हो वो पेशेंट को ना लग के कमरे से बाहर निकल जाए, साइड की दीवारों से निकल जाए और पेशेंट को कोई टॉक्सिक फ्यूम्स या गैसेस का अबनॉर्मल रिएक्शन ना हो। स्पेशल लाइट्स होती हैं इसके लिए, जो पहले हैलोजन लाइट्स होती थी अब वो नहीं है, अब तो एलईडी लाइट्स हो गया है। एलईडी लाइट्स में ऑपरेशंस होते हैं जो पॉइंटेड लाइट्स होती हैं, अब वो पॉइंटेड फोकस देती हैं घुटने के ऊपर, उसको ब्राइट कर देती हैं घुटने को ताकि सर्जरी करने में बहुत आसानी हो और मैनिपुलेशन माने टांग को ऊपर नीचे ज़्यादा ना करना पड़े। ऑपरेशन थिएटर में सर्जन स्पेशलाइज्ड गाउन्स पहनते हैं जो ऐसी स्पेशलाइज सर्जरीज के लिए ही बनाए जाते हैं। ओवरहेड कैप्स भी पहनते हैं कई सर्जन्स, जिसमें स्पेशल एलईडी फोकस लाइट्स होती हैं ताकि आपको पॉइंटिंग सरफेसेस लाइट मिले आपको। आपके पास में स्पेशलाइज टेक्निकल स्टाफ होता है जो आपकी मदद करता है ये सर्जरी कराने में ताकि सर्जरी जल्दी से जल्दी आपकी फिनिश हो और एनेस्थीसिया टाइम कम लगे। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए।